मीन्स क्या हुआ, बदलता परिवार। इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? माइग्रेशन, रीजन फॉर डिस्प्लेसमेंट, रिलेशनशिप और चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर। ये चार पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है? कौन कौन से पढ़ेंगे चार पैराग्राफ? माइग्रेशन, रीजन फॉर डिस्प्लेसमेंट, रिलेशनशिप, चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, माइग्रेशन मीन्स क्या होता है? प्रवास। रीजन फॉर डिस्प्लेसमेंट, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसके क्या कारण है, विस्थापन के कारण। रिलेशनशिप मीन्स संबंध। और चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर्स मीन्स क्या हुआ, पारिवारिक संरचना में बदलाव। मतलब क्या हुआ कि जो हमारी फैमिली है उसमें जो चेंज होता रहता है, कभी फैमिली बढ़ती है, कभी कम हो जाती है, बिग या स्मॉल फैमिली रहती है ना, उसमें बदलाव। समझ में आ रहा है? इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? हम अपना पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं माइग्रेशन से। यहाँ पर ये माइग्रेशन के पूरी फुल फॉर्म दे रखी है। एम से लिया, मूविंग टू अनोदर प्लेस। आई से इलीगली और नोट। जी से गोइंग टू ए डिफरेंट कंट्री। आर से क्या लिया, रनिंग अवे फ्रॉम व्हाट यू नो। ए से अवे फ्रॉम पीपल यू नो, पीपल यू डोंट। बी से क्या लिया, टू ए न्यू लाइफ। आई से इनटू ए डिफरेंट वर्ल्ड। ओ से ओनली टू फाइंड आउट देयर ओन कंट्री। और एन से क्या लिया, नीड्स देम। माइग्रेशन का ये क्या है, पूरी एक फॉर्म दे रखी है। इसके बाद क्या है, पैराग्राफ देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैनी ए टाइम्स फैमिलीज हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनुदर। क्या कह रहा है ये कि कई बार परिवार एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। कई बार क्या होता है, कई फैमिली को अपने घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है। दे हैव टू डू सो फॉर ए नंबर ऑफ रीजंस। सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। क्या कह रहा है कि जो फैमिली है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं? वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्यों? इससे सामाजिक और आर्थिक भी जिम्मेवार होता है इस पे, कि वो अपने परिवार को एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज कर दे। आया समझ में? इसमें यही कहा गया है कि माइग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ती है एक फैमिली को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। इसके सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। आगे देखो, दे हैव टू मूव टू अदर प्लेसेस अलोंग विद देयर फैमिलीज टू रीच जॉब और टू गेट बेटर एजुकेशन। और क्या कारण हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के? उन्हें कोई नौकरी की तलाश हो, या कोई बेहतर शिक्षा, अच्छी शिक्षा के लिए अपने परिवार के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर जाता हो। सम पीपल हैव ट्रांसफरेबल जॉब, सो दे फेस द डिफिकल्टीज इन शिफ्टिंग देयर हाउस होल्ड गुड्स। क्या कह रहा है कि कुछ लोगों के पास स्थानांतरित नौकरी होती है। वो क्या है कि अपने घरेलू सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में उनको क्या होती है, कठिनाई होती है। कभी भी हम कोई भी फैमिली एक जगह से दूसरी ये जगह हो पर जाता, जाने, म्यूट कर दो। कोई भी फैमिली एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है तो उन्हें बहुत सारी कठिनाई होती है। बातें नहीं, क्या क्या कठिनाई होती है कि जो उनका घरेलू सामान उनको चाहिए होता है उनको एडजस्ट करना। दे नीड टू अरेंज फॉर ए न्यू हाउस
in the new place and even a school for their children. और क्या क्या कठिनाई को सामना करना पड़ता है उन्हें, नई जगह में, नए घर, और यहाँ तक कि अपने बच्चों के स्कूल की व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है. Such kinds of moments when people move from one place to another and settle in the new place is called migration. जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और नई जगह पर बस जाते हैं उसे क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहा जाता है. हमने पहला पैराग्राफ क्या पढ़ना था, पहला पैराग्राफ क्या था हमारा, माइग्रेशन था, माइग्रेशन के बारे में ही पढ़ना था. तो माइग्रेशन का क्या हुआ, कोई भी नई जगह पर जाकर बस जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसको हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं. ये पैरा समझ में आया? Yes, ma'am. ये इस पैरे में क्या बताया गया है, देखो सुनो क्या कह रहा था स्टार्टिंग से, कि परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है. इसके क्या कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं और आर्थिक बदलाव भी जिम्मेदार है इसमें. लेकिन कई क्या क्या कारण है कि उन्हें नौकरी पाने के लिए या अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है. लेकिन जब वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो क्या होता है, उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. एक तो जो हमारे घरेलू सामान होते हैं उनको क्या है, वो एक जगह अपने एक घर से दूसरे घर पर शिफ्ट करना, जो भी घरेलू सामान होता है घर का जो चाहिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए उन्हें दिक्कत आती है. दूसरा अपने बच्चों को स्कूल भेजने की दिक्कत आती है, जब नए नए जगह पर जाते हैं तो उन्हें उनके बारे में इतना पता नहीं होता, इसलिए क्या होता है उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. आ गया समझ में? नेक्स्ट पेज पर देखो. The people who migrate are called migrants. जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं उसको क्या कहते हैं, migrants बोलते हैं. जाना तो क्या हुआ, migrates. लेकिन जो लोग गए उनको क्या बोला, migrants. Their people, their sorry, are people who migrate from one country to another. ऐसे लोग जो एक देश से दूसरी जगह पर जाते हैं. Such kind of migration is called international migration. ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय migration कहा जाता है. International migration किनको कहा जाएगा, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएंगे. समझ में आ गया? एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएंगे उसको क्या कहेंगे, इंटरनेशनल माइग्रेशन. और जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, माइग्रेंट्स. एंड द पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम देयर own country to settle in another country are called immigrants. और जो लोग अपने देश से दूसरे देश में बस जाते हैं उनको immigrants बोलते हैं. These immigrants are called emigrants in the country where they settle. देखो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं उनको माइग्रेंट्स बोला जाता है. ऐसे लोग जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं इस तरह के लोगों को हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं. क्या कहते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं. और जो लोग अपने देश से
दूसरे देश में बस जाते हैं, अपने देश से दूसरे देश में बस जाते हैं, उनको एमिग्रेंट्स कहते हैं। इन एमिग्रेंट्स को इमिग्रेशन कहा जाता है, जो वहां पर बस जाते हैं। समझ में आ गया? माइग्रेंट्स कौन होते हैं बताएगा कोई? माइग्रेंट्स किन को बोलते हैं? लोग बाहर जाते हैं मैम, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं मैम, उसको माइग्रेंट्स बोलते हैं। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर बस जाते हैं, उन लोगों को माइग्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है? और जो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं। अच्छा, हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? क्या है रीजन फॉर डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या है विस्थापन के कारण? टाइम्स पीपल आर फोर्स टू मूव फ्रॉम देयर प्लेस, सच ए फोर्स मूवमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हम रीजंस फॉर डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है कि कई बार लोगों को अपने स्थान से जाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, उनको क्या किया जाता है? फोर्स किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मजबूर। डिस्प्लेसमेंट, रीजंस फॉर डिस्प्लेसमेंट को हम पढ़ेंगे कि इसके कारण क्या है। अगेन, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डिस्प्लेस्ड ऑफ डैम्स, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर, रोड्स एक्सेट्रा। ऐसे कितने लोग होते हैं? हजारों लोग, जो कहाँ कहाँ से मजबूर कर दिए जाते हैं? बांध, कारखानों, इमारतों, फ्लाईओवर, सड़कों आदि पर कहाँ से विस्थापित हो जाते हैं। क्या कह रहा है कि कई बार देखो हजारों लोग क्या हैं, जो बांध, फ्लाईओवर यहाँ पर रहते हैं, इनको क्या है फोर्स से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। When slums are demoralized, people are forced to displace from their living place. People are forced to move and face social and इकोनॉमिक्स चैलेंज। ये क्या है? जो झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं, उनको जबरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, उनको मजबूर कर दिया जाता है वो स्थान छोड़ने के लिए। समझ में आ रहा है? हम रीजंस पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे? रीजंस फॉर डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं कि विस्थापन के कारण क्या क्या हैं। इसमें क्या होता है कि कई बार लोगों को एक स्थान, अपने स्थान से जाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ऐसे मजबूर आंदोलन को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। हजारों लोग क्या है, जो बांधों, कारखानों, इमारतों, फ्लाईओवर, सड़कों आदि से विस्थापित कर दिए जाते हैं, उनकी जो झोपड़ियां जिनमें वो रहते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है, और क्या है उनको ये जगह छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। दे टेक टाइम टू एडजस्ट ए न्यू प्लेस, दे आर फोर्स टू मूव टू नियर बाई टाउन्स एंड सिटीज एंड सर्च फॉर वर्क।
सर्च मीन्स बताओ क्या होता है, कौन बताएगा? खोजना, खोजना होता है, खोजना, फोर्स, खोजना, फोर्स, forced, forced means क्या होगा? दबाव देके कोई काम कराया जाता है उसको फोर्स कहते हैं, उसको फोर्स्ड कहा जाता है। क्या कह रहा है ये कि मैंने टाइम नेचर डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में क्या होगा? फ्लड, साइक्लोन एक्सेट्रा। अर्थक्वेक मीन्स होगा भूकंप, फ्लड्स मीन्स क्या होगा बाढ़, साइक्लोन्स मीन्स क्या होगा चक्रवात, डिस्प्लेसिंग फैमिलीज एंड हेलो। हाँ जी मैम, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है। देखो हम कहाँ थे, हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। हमने क्या पढ़ा था कि कई बार क्या है नेचर के तरीके से भी लोगों को क्या है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ सकता है, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, चक्रवात आदि जैसी ये प्राकृतिक आपदाएं होती है, इनसे क्या है परिवार नष्ट हो जाते हैं और इनको क्या है अपने घरों को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, आगे देखो। many times people have to live in outskirts of cities without basic amenities like इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉटर। कई बार क्या है लोग बिजली पानी जैसी समस्याओं के कारण भी एक जगह से अपनी जगह को क्या है शिफ्ट कर लेते हैं दूसरी जगह पर, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कई जगह क्या होता है कि ना तो अच्छी तरह से बिजली आ पाती है ना पानी की समस्या होती है उन्हें, तो वो इनको दूर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था, माइग्रेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम सिर्फ ये दो ही पढ़ेंगे, माइग्रेशन और रीजन फॉर डिस्प्लेसमेंट। माइग्रेशन मीन्स क्या बताया था कि जब फैमिली एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है या उस जगह पर जाकर बस जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है जब वो माइग्रेशन करती है उन लोगों को क्या बोलेंगे, माइग्रेंट्स बोलेंगे। लेकिन जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या क्या? एक तो उनके पास घरेलू सामान वहां पर उपलब्ध नहीं होता, उसको एडजस्ट करने में उनको टाइम लगता है। एक जाते ही वहां पर क्या है किसी से ना तो जानकारी होती है इतनी, ना वो किसी को जानते हैं, उनको बच्चों को स्कूल में भेजना, ये क्या अच्छी शिक्षा देना, इसके बारे में भी उनको क्या है खोजने की तलाश होती है कि क्या चीज अच्छी है क्या नहीं है। और क्या है, कई बार लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, क्योंकि वो अच्छी शिक्षा पाते हैं या उनकी जॉब के लिए। सभी का ध्यान होना चाहिए, वो अपनी जॉब के लिए कि उनको अच्छी जॉब करनी है, वो अपनी जॉब की खोज तलाश करते करते क्या एक जगह से दूसरी जगह पर उनको शिफ्ट होना पड़ता है। और डिस्प्लेसमेंट के क्या कारण बताए, डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होगा कि किसी को, एक तो वो अपनी मर्जी से जाए उसको तो क्या बोलेंगे माइग्रेशन, लेकिन किसी को जबरदस्ती फोर्स्ड के कारण किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। वो किन किन कारणों से होता है कि नेचुरल तरीके से जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है जैसे बाढ़ हो गई, भूकंप हो गया, उनको क्या है एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ता है।
या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको उनका कोई ठिकाना नहीं होता है। वो क्या है कि कभी बांध फ्लाईओवर इनके साथ रहते हैं, तो क्या है उनको जबरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, ma'am. अब हमें क्या करना है, आगे के दो पैराग्राफ हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। क्या करना है हमें कि जो जितना रीड करवाया है उतना अच्छे से रीड करना है, और जो कुछ ना भी समझ में आए तो आप दोबारा से पूछ सकते हो। ठीक है, फिर नोटबुक लगा ली सभी ने? Yes, ma'am. अब हम क्या है अपनी फेयर नोटबुक से काम स्टार्ट करेंगे। अभी काम जो भी होगा फेयर नोटबुक में साफ साफ अच्छे तरीके से करना है, और सभी को पूरी क्लास लेनी है। ये नहीं कि आज ले ली कल छोड़ दी, अगर एक भी दिन मिस हो गया तो क्या है हमारा काम बीच में पेंडिंग रह जाएगा। ठीक है, सुनाई दे रहा है सभी को? Yes, ma'am. आज हमने सिर्फ हाफ लेसन पढ़ाया है, हाफ अगली क्लास में करवाएंगे। ठीक है, बाकी क्या क्या बताया, कोई बताएगा आज के आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ाया? मैम जो माइग्रेशन और रीजन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमें पैराग्राफ दो ही पढ़े, एक पढ़ा है माइग्रेशन और एक पढ़ा है रीजन फॉर डिस्प्लेसमेंट। माइग्रेशन में क्या होगा, वो अपनी मर्जी से जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, उनको क्या है या तो अच्छी नौकरी चाहिए होती है या अच्छी शिक्षा चाहिए होती है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, उनको मजबूर किया जाता है। और जो लोग वहां पर माइग्रेशन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, माइग्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और एक एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेशन बोलते हैं। अभी क्या करना है, ये जो दो पैराग्राफ पढ़ाए हैं इनको अच्छे से रीड करना है। ठीक है। Yes, ma'am.